देहातों में जाने का पहला रुझान आ गया है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में ट्रेनों में पानी भरने वाले, ट्रेनों की सफाई करने वाले 60 से 70 लोग एक साथ काम से निकाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नया ठेकेदार आ गया है। ये कितने बेशर्म लोग हैं, जो लोग दीपिका पादुकोण का वो बेशर्म रंग गाने का विरोध करने के बजाय, शाहरुख खान को धमकाने के बजाय, गरियाने के बजाय, फिल्म को बॉयकॉट करने के बजाय यहाँ पर अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन बेशर्म लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर ये लोग इतनी बेशर्मी काहे कर रहे हैं, काहे बेशर्मी कर रहे हैं, पहले तो ये बताओ। अरे वो बेशर्म रंग गाना सुने हो नहीं सुने हो, उसका विरोध करो। ये आउटडेटेड काम, नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग 10 में आ गया तो ये मान रखिए कि हम 10 में क्या, जब 18 में नहीं हो रहा तो 10 में क्या होगा? महंगाई बढ़ रही है, ये बच्चे वाले हम लोग ऐसे क्या करेंगे? किंग कंपनी आके जो हम लोग को 10,000 में कोई छुट्टी नहीं दे रही, पिछले कंपनी में 4 छुट्टी मिलती थी, इस कंपनी को बेशर्म रंग गाने का बॉयकॉट करो, फिल्म का बॉयकॉट करो, ये नौकरी बचाने की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? कोई सुनेगा आपकी बात? मैं मेरी बात कोई सुन नहीं रहा इस समय। मैं प्रेजेंट टाइम में कहना चाहता हूँ, इसीलिए नहीं सुन रहा। नाम बताओ अपना। मैं रोहित राजपूत बोल रहा हूँ। रोहित राजपूत, ये बताओ कि तुम बेशर्म रंग जो गाना आजकल चला उसका बॉयकॉट करते, खड़े होकर पुतला जलाते तो लोग बात सुनते, ये नौकरी बचाने के लिए कौन आगे आता है आज के जमाने में? जी मैम, अब ये मजबूरी है कि इसीलिए मैम, मैम पहले 16,000 मिल रही थी, अब मुझे 8,000 कह रहे, 8,000 रुपए मिलेगा, करना हो तो करो नहीं जाओ। वीडियो ना बनाए पहले तो भाई साहब, आप भी पीड़ित हैं? पीड़ित हैं लग रहा है आपको देख के। आगे आई नमस्कार, आप भी पीड़ित हैं क्या? जी मैं। अरे ईश्वर कभी पीड़ित ना करे आपको, आपकी सारी पीड़ाएं हम ले लें, ईश्वर करे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे मैम? चलती गाड़ी में हम लोग काम करते हैं और फिर भी हम लोगों को बताइए पूरा वेतन नहीं दिया, बिना रीजन के हम लोगों को निकाल दिया जा रहा है। अपनी जान खतरे में डालकर ये बेचारे चलती ट्रेन से दौड़ते हुए उतरते हैं, चढ़ते हैं, ट्रेन की साफ सफाई करते हैं। ये वो बेचारे कर्मचारी हैं जिनके बारे में कोई, मुझे पता है कि आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, कोई क्यों सुनेगा? सफाई कर्मचारियों के बारे में कोई, किसी की भावनाएं आहत थोड़ी होती हैं। आहत होती है तब जब दीपिका पादुकोण किसी गाने में नाच देती हैं तो उस पर भावनाएं आहत हो जाती हैं। किसी रंग से किसी धर्म का अपमान हुआ है ये कहकर भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन इन बिचारों के दर्द पर किसकी भावनाएं आहत होंगी? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्यों, हम लोगों की नौकरी चली गई है तो मैम, तो हम लोग को आंसू तो आएंगे कि हम लोगों की यही रोजी रोटी थी और बिना रीजन के हम लोगों को निकाल दिया, तो हम लोगों के अंदर तो दर्द तो है ही है। कोरोना काल में जब वॉलंटियर ये बेचारे जब काम कर रहे थे तो 16,000 पा रहे थे, अब उसका इनाम दे रहा है। और देश हित में अगर देश सुरक्षित है तो फिर तनख्वाह 8,000 हो जाए 6,000, देश तो हमारा सुरक्षित है, ये आपको ही पता है, आप जगह जगह दौड़ती हो मालूम है। यहाँ पे लोग ये देशभक्ति का वो दिखाया गया है सपना कि वो नशा पिला दिया गया है धर्म का और देशभक्ति का, कि आदमी डूब गया है, आगे कुछ अपनी न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न सड़क पे, न सर्विस की परवाह नहीं है। परवाह किसकी है? देश सुरक्षित, देश के पीछे क्या खेल हो रहा है ये सबको पता है। ये सब जितने खड़े हैं ये भी कल भूल जाएंगे और वही करके उनको ऐसा विचारों के नशा हो गया है, क्योंकि ये अभी ने क्या कहा कि मैं कोरोना का वॉलंटियर हूँ, कोरोना का वॉलंटियर में जब काम किया, योद्धा जब इन्होंने कोरोना में काम किया, 16,000 का 2,500 होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए इनकी ना, आज 8,000 हुआ है, इनके बच्चे क्या यही इनाम इनको मिला है? ये सबके साथ होगा, एक लेकिन चक्कर क्या है, 1, 2, 3, 4 एक साथ नहीं होगा, एक होगा फिर 2 होगा फिर 3 होगा फिर 4 होगा, फिर सबके साथ वही होगा। लेकिन क्या होता है जब इनके साथ होता तो ये व्हाट्सएप करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब इनके साथ होता तो ये चलाते हैं। सच्चाई में बोल रहा हूं मैं, जो तकलीफ है मैं समझता हूं, एहसास तभी होता है। मैंने क्या कहा कि ये वॉलंटियर कोरोना के, इनको तो 16 जगह 25 करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इनको 8 क्यों किया गया? लेकिन 8 मिल, 8 भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है भैया, ये मानो कि 8 मिल रहा है तो बाकी का जो बचा देश हित में लगेगा। आप कितना दौड़ती हो मुझे मालूम है, आप कितने रात दिन क्या करते हो, कितना बोलते हो, लेकिन क्या उसका आपको भी रिएक्ट मिलता है? आपको भी पता होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझो तुम्हें खुद पता होगा इसका रिएक्ट आपको क्या मिलता है जो बोलती हो आप लोग का प्यार मिलता है ना, बस ठीक है ना? शुक्रिया। तो रिएक्शन का क्या लेना देना भैया, प्यार मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, बाकी सब तो हो जाएगा। ये बताइए आप लोग, मैं जानती हूँ कि आप लोगों के दिल में बहुत दर्द है, आंसू हैं, पूरा पूरा परिवार, बच्चे, पूरी जिंदगी, सब कुछ
दांव पर लगा हुआ है इनका, लेकिन इनकी सुनने वाला कौन है? बेचारे गरीब लोग हैं, रेलगाड़ी में पानी भरते हैं, सफाई करते हैं, इन बेचारों की कौन सुनने वाला? आप ड्यूटी पर आए थे भैया? सुबह 4 बजे आए ड्यूटी मैडम। मैं आया यहाँ ऑफिस में, मैं गया बात करने के लिए ऑफिस में, हमारे बंदे साहब गए, कहे ना हम आप लोगों को नहीं रखेंगे। हमने क्यों नहीं रखेंगे? कहे ना आपको इतनी वेतन दी जाएगी 10,000, ना हमारी पहले आई थी 18,000 वेतन आई थी, ठीक है। कहे ना आपको नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे काम नहीं कर सकते, करना है तो आप 2-3 बंदे को ला सकते। हमने कहा हमारे संगे 80 लमड़ा है तो वो कहाँ जाएगा, मैं अपना पेट पाल लूँ, मैं 80 लमड़ा कहाँ जाएगा, ये बताइए मैडम। कहने लगे आपको करना करिए, ना नहीं करना आप भी बाहर जाइए। तो हम लोग बाहर आ गए। तो ये अब बताइए, कोरोना काल में भी हमने काम किए, चलती हुई गाड़ी पे उतर, तो योद्धा तो बन गए, सरकार योद्धा बना दी, मेडल पहना दी, पाँव धोली, फूल बरसा दी, अब क्या चाहिए भैया? अब बताइए 8,000-10,000 मेडल की जगह तो ये मेडल मिल रहा है ना, हम लोग पहले 18 मिल रही थी, अब 8 में कर रहे हैं। आप कहाँ से हो ये बताओ? अरे सर CTS में, अपने हम लोग वही हैं। आप भी साथ में इन लोगों के? जी हाँ, ये भी साथ में हटा दिए गए। आपको भी हटाया गया है? जी हाँ। नौकरी अब नहीं है कोई? नहीं नहीं। ठेकेदार अत्याचार कर रहा? जी हाँ। बोल रहा है कि कम में आ जाओ वरना रास्ता ना। हाँ जी। अब करोगे क्या? अब क्या करेंगे सर बताओ, पूछ रहे हैं क्या करें सर? लड़ोगे कि हट जाओगे? लड़ेंगे, लड़ेंगे। रो का रहे हो? अरे क्या करें, हमारे लड़के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, क्या क्या करें सर, सब हमारे लड़के बच्चे बर्बाद हैं, सब आदमी वो परेशान है, क्या करें? मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? योगी जी सुन रहे हैं, उनको बताइए, सुनेंगे आपकी बात, सुनेंगे आपका आपका हल निकालेंगे। वो अपनी पूरी बात, ठेकेदार आते जाते रहते हैं भैया, डरना मत, बताओ। लोग आते जाते रहते, लड़के बच्चे हमारे कमा खा रहे थे सर, आज ऐसे हालत हुई, क्या करें सर? पहले नाम बताओ। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार, ये देखिए पूरी पोशाक में पहने हुए ऑन ड्यूटी व्यक्ति हैं ये। ये इनका कार्ड है, देखिए किंग ग्रुप, ये इनकी कंपनी, हाथ में झाड़ू। आप बताओ, डरना नहीं, नाम बताओ, हम खड़े हैं यहाँ पे, समझे? नाम बताओ फिर से। विजय कुमार। आप बताओ विजय कुमार, तुम्हारी कितनी तनख्वाह आती है? मेरी आती है किसी महीने में 13,000, किसी महीने में 17,000, कभी कभी 18 भी आती है मेरे पास। तुमको मिलता कितना है? मेरे को 9,800 मिल रहा है। तो ये जो बाकी का पैसा है वो ऑनलाइन, रुक जाओ, ऑनलाइन लिया जाता है कि कैश ले लिया जाता है? कैश, ऑनलाइन में पकड़ है, कैश में कोई पकड़ नहीं। क्या बोलते? कैश हाथ से देना पड़ता है। नहीं, क्या बोलते कि वो बाकी का पैसा हमको दे जाओ? हाँ। तो काहे लेते, कभी पूछे नहीं हो कि हमारा पैसा काहे लिए ले रहे हो भैया? अब सब देते हैं तो मेरे को भी देना पड़ता है, जब कोई बोलने वाला नहीं तो मैं क्या करूं? तो पूछा होगा कि इनका पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं कहते हैं तो इनको निकालने के लिए कहते हैं, जाइए क्या, आपको हटा दिया गया, आप काम गलत कर रहे हैं। दूसरी कंपनी के वर्कर हैं। अगर इन्होंने इतना ही माइक में आपके कैमरे के आगे बोल दिया, पब्लिक के आगे, अगर उनको पता चले तो इनको धमकी दे दी जाएगी कि अब तुम नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा अगर पता चल जाए। नहीं पता चलेगा, काहे चिंता कर रहे हो? 85 लौंडों का 7 लाख रुपए। सरकार को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बताओ? नहीं नहीं, सरकार को पता चलना चाहिए, बिल्कुल सरकार को पता चलना चाहिए ना। सरकार तो सुनेगी तुम्हारी बात। यस। ठेकेदार तो तमाम आते हैं और जाते हैं, समझे? डरना मत, डरना मत। अम्मा अम्मा नाम बता दो अपना। रामा। हाँ रामा। रामा कितना समय हो गया काम करते हुए? हो गए 5-6 साल। 5-6 साल। देखिए अम्मा अपनी ड्रेस में है, हाथ में झाड़ू लिए है, 5-6 साल से काम कर रही है। आप सबसे पुरानी है, ये लोग कह रहे हैं। हाँ, पुरानी। तो रामा जी बताइए कितना पैसा मिलता है आपको? आप ही की कंपनी है किंग सिक्योरिटी सर्विस, आप ही लोग ट्रेन में चढ़ चढ़ के सफाई करते हो, पानी भरते हो? नहीं हमारा बाहर का। आपका आपका आप झाड़ू लगाती है? आपकी इन्हीं किसी कंपनी ने इनका ठेका लिया है? अच्छा ये बताइए कि पैसा कितना मिलता है आपको? हम लोगों ने मिलता है 9,800 रुपया अब किए हैं। 9,800 रुपया अब किए हैं? अभी पिछला कितना मिलता था? पिछला वही बढ़ा, नहीं वो तो 800 देते थे, वो 8 9,300 देते थे, अब 9,800 दे रहे हैं। हाँ। पैसा बढ़ा दिया, अच्छे दिन आ गए अम्मा के। हैं 500 रुपए मैम बढ़ा, उसमें क्या अच्छे दिन आते हैं मैम? 500 रुपए ड्यूटी भी। अच्छा, पूरा आप बताओ पूरा कितना आता है पैसा? पूरा तो 16,000-15,000 लगाते हैं, बाकी वापस देते हैं। क्या 16,000-15,000 आता है? बढ़ा के लगाते हैं ना, अब तो हम लोग को देना पड़ता है। नहीं नहीं रुको, तो फिर तुमको फिर 8-9 का ही मिलता है, 16-17 मिलता है भाई? वो लोगों का कहना है कि हम वापस दो, हमको रिकवरी देना है। क्या देना है? रिकवरी, रिकवरी देना है। रिकवरी के नाम पे तुम्हारे हक का पैसा छीन लेते हैं। रिकवरी के नाम पे तुम्हारे हक का पैसा छीनते हैं। कभी सवाल की हो अलग देते हैं, अगर सवाल की हो अम्मा रमा जी, कभी सवाल की हो? अरे हम लोग तो हमेशा बोलते रहते हैं,
कहते हैं अगर कोई पूछेगा अगर ज्यादा बोलोगी तो बाहर निकाल देंगे। अच्छा तो हम लोग पैर के पीछे अधिकारी नाम जानती हो? मैम सवाल करते हैं। अधिकारी नाम जानती हो? बस ठेकेदार है वो नाम। अच्छा ठेकेदारी का नाम जानते हो? ठेकेदार का नाम जानती हो? ठेकेदार यही है आशीष। आशीष जी पूरा नाम बताना। बस आशीष ही है। बस आशीष हमारा ठेकेदार ही आशीष है। आशीष है ये किंग सिक्योरिटी सर्विसेज की। तो आप लोगों का पैसा आपका हक छीना जाता है आपने कभी सवाल नहीं किया? सवाल डर है कि नौकरी से ना निकाल दे। घर में कौन कौन है रामा जी? बस दो बच्चे हैं हमें। पति? पति नहीं। पति नहीं है। अकेली औरत अकेली महिला कमाने वाली बेचारी हाथ में झाड़ू लिए दिन रात मेहनत करती है पूरा स्टेशन साफ करती है पैसा हक का जितना आता है वो भी छीन लिया जाता है। सारे आम उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो भी कहाँ? चारबाग रेलवे स्टेशन में ये हाल है। बोनस भी आया था हम लोगों का 35,000 रुपया आया था मगर मिला 1 रुपया नहीं। बोनस आया था लेकिन मिला नहीं। मिला नहीं 35,000 का बोनस तुमको काहे नहीं मिला भैया? 1 रुपया नहीं मिला उनका? नहीं मिला 1 रुपया भी? तो पूछे काहे नहीं मिला? पूछा है तो कहीं के नहीं आया तो क्या करें? कहीं नहीं आया अब हम लोगों को टालते रहते हैं हम लोग गरीब आदमी। सरकार से आप मैं सरकार से क्या कहूंगी? सरकार से यही जो आपसे बोल रहे हैं यही बोलेंगे। तो बोलो क्या बोलोगी? बोलो बस यही बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह अच्छी खासी जैसे होना है जो हमारी मेरी तनख्वाह हक है वो हमारा हक है। हक दीजिए मुझे बाकी और नहीं चाहिए मुझे सिर्फ हक चाहिए। सरे आम हक की लूटमार हो रही है लेकिन कौन पूछेगा? देखिए हाथ में झाड़ू और वर्दी पूरा स्टेशन साफ करती है सुनने वाला कोई नहीं। आज हम आए हैं सफा करो। यही मोदी जी का कहना है कि देश को साफ रखो झाड़ू से जमीन सफा करना है सफा तो ठेकेदारों को सफा करो। हम लोग को कहे सफा कर दिया। ये कंपनी जो आई है दोबारा जो इनके साथ हो रहा है वो चीज हम लोग के साथ करना चाह रहे हैं मगर हम लोग इस चीज पे एग्री नहीं है। हम लोग इस चीज पे एग्री बिल्कुल नहीं होंगे चाहे हम लोग को ड्यूटी दे चाहे ना दे मगर हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप अपने हक के लिए लड़ेंगे? मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा मैं दौड़ दौड़ के आऊंगी आपके पास वादा है मेरा। करते हैं बोलते हैं कि निकाल दें बाहर आदमी है नहीं किराए पर रहते हैं कैसे क्या करेंगे ऐसे कैसे निकाल देंगे? वो धमकी देते हैं हम मर गए हैं क्या? हम लोग अभी जिंदा है प्रज्ञा मिश्रा। आप तो देश के लिए अब पब्लिक के लिए इतना अच्छा कर रही हैं। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। राजेश जी क्या इन लोगों की सारी समस्या ये कहना है कि मेरा वेतन जैसे 17,000 या 18,000 या 16,000 जो भी आता है आता पूरा पैसा अकाउंट में इनके है बाद में इनसे निकाल करके इनसे कटौती के तौर पे 4-5 हजार 6 हजार 8 हजार जो भी बढ़ोती है 9,000 के ऊपर वो पूरे पैसे इनसे ले लेते हैं। यही यही प्रथा गाँव में प्रधानों का है कि पैसा पूरा मजदूर का आता है मनरेगा में लेकिन वो बाद में निकलवा के अपना ले लेता है। वही सेम जिसने भी ठेकेदारी वाला काम है जो भी बिचौलिए लोग हैं इनका सबका यही काम है। पैसा पूरा आता है जिसका अकाउंट अटैच है जो कर्मचारी उसका अकाउंट गवर्नमेंट खुलवाए हैं बिना उसके आप दिखा नहीं सकते हम कितने लोगों से काम करा रहे हैं। तो सरकार की आंखों में खुलेआम धूल झोंकी जा रही भैया। नहीं मेन बात यह है ना कब जैसे मजदूर है या हम मजदूर हैं लेबरी करते हैं हम अपनी बात किससे कहें? कहते हैं लड़के से ज्यादा हरामी बाप बैठा है। हम अपनी बात कहें किससे? अगर हम किसी से कहते हैं तो अभी हम सेम डे में पैदल हो जाएंगे। कल से अगर सपोज करिए मजदूर अगर हटा दिएगा आज मान लिया आप चला रही हैं एक जिम्मेदार चैनल होके चला रहे हैं कल को चला दिए जितने लोगों ने अभी स्टेटमेंट दिया सपोज करिए कल के अगर सवेरे हट गए तो इनके पीछे खड़ा कौन है? हम खड़े हैं बात रखे हम रखेंगे। यही एक सब लोग डरते हैं कोई ना कोई पीड़ित हर जगह है सभी डिपार्टमेंट में चाहे रोड पर हो चाहे फुटपाथ कहीं भी काम करता हो पीड़ित हर व्यक्ति है लेकिन अपनी बात वो कहे किससे? कहेगा तो सरकार के ही सरकार कर्मचारी सबसे लेकिन सब वही है कि सब लोग कहीं कहीं शोषित सभी लोग करते हैं। मैंने बोला है अगर वो लोगों ने मालूम होगा तो कहेंगे जाओ कर से आना नहीं हम लोग को निकाल दिया जाएगा।